नमस्कार दोस्तों, आज हम इस मैग्नेटिक इंडक्शन हीटिंग सर्किट डायग्राम को और डीपली समझते हैं। यानी जैसे यहाँ पर हमने जो इस सर्किट डायग्राम को बनाया है, ये कुछ ऐसे सिस्टम है जो ये कई जगह पे काम करता है। यानी सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट मतलब हुआ चुंबक। अब चुंबक कोई भी हो, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ये जैसे एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको मिटा दिए थे। जैसे ये कॉयल, देखिए ये कॉयल जो है, ये थोड़ा जल्दी बना दिए हैं। देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा लॉन्ग टाइप ये कॉयल है, इसमें बीच में स्पेस है, ठीक है। अब ये अगर इससे, जैसे हमने इसके अगले सर्किट में बनाया था और दिखाया था कि यहाँ पे अगर कोई भी स्टील रॉड अगर इन करते हैं, तो ये स्टील रॉड जितना इसका इंटरनल मैग्नेटिक एरिया है, स्पेस है, उतने में जैसे इंटर होता है रॉड, वो तुरंत वो जो है रेड हो जाता है, यानी हीट होके वो गर्म हो जाता है। फिर इसे अलग करते हैं, अलग करने के बाद अगर देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि ये गर्म है, ये गर्म नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जितनी मैग्नेटिक एरिया है उसमें वो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर किसी लकड़ी या किसी ऐसे अलग जो मेटल को अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो वो इस पर नहीं काम करेगा, केवल हमारा स्टील मेटल यानी लोहे का वो उस पर वहाँ पर काम करता है। अब अगर इसको इस तरीके से अगर हम इस कॉयल की डिज़ाइन करते हैं, तो जैसे हमारा इंडक्शन होता है जो कुकिंग के लिए काम में आता है, खाना बनाने के लिए, वो मेथड यूज कर सकते हैं। फिर उसमें एसी करंट दिया जाता है, तो नेक्स्ट सेकेंडरी में हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाता है, वो कोर के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी कोर की ज़रूरत नहीं है, ये इस कॉयल के द्वारा ही उसमें विद्युत ट्रांसफर हो जाएगा। वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे आगे एक एग्जांपल पे, क्योंकि इसको हटाना था, इस पर हमको कुछ और बताना है, इसलिए जो है इसको आज हम आपको थोड़ा रिपीटेशन के लिए इसको हम बता दें कि जैसे देखिए यहाँ पर हमने दो चैनल को यूज किया है, जिसमें ए है और बी है। इसको ध्यान से देखें, क्योंकि इसको हम हटा देंगे तो जब हम नेक्स्ट बताएंगे तो ये आपको मेमोरी में याद रखने की ज़रूरत है। और वो इसलिए कि जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारा 50 वोल्ट और 50 एम्पियर पे ये काम करता है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 किलोवाट है, ठीक है। और हमने जो है इसमें बताया था कि अब 3 किलोवाट मतलब ये तीन MOSFET यूज किए गए हैं। अब आप इसमें एक किलोवाट को बना सकते हैं अगर जैसे से कंफर्म, तो ये क्लियर हो गया कि एक MOSFET और एक MOSFET हो गया, तो ये हमारा 1 किलोवाट हो गया। फिर अगर दो यूज किए तो 2 किलोवाट हो गया, तीन यूज किए तो 3 किलोवाट हो गया। इसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने इसके पहले डिटेल भी दिया है इस MOSFET का। अब देखिए ये काम कैसे करता है, यहाँ पे ये प्लस की सप्लाई इन हुई तो ये सबसे पहले बी चैनल वाले में जाएगा ड्रेन में, यहाँ पर देखें तीनों के ड्रेन में। फिर यहाँ से ऐसे ये इंटर हुआ, इंटर होके इस कॉयल में यहाँ पे गया, ऐसे घूमते हुए फिर ये आउट हुआ, आउट होके फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे गया है जहाँ पे कैपेसिटर लगा है, और यहीं से ये सीधे जो है देखेंगे ऐसे ए चैनल में जा रहा है, कहाँ पे, सीधे ड्रेन में। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट देखिए यहाँ से जैसे इन हुआ, इन होने के बाद यहाँ पे गया, यहाँ से सीधे जैसे इसमें इंटर हो रहा है, इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो है वोल्टेज यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे ये रेजिस्टेंस एक डिवाइडर सर्किट के तरीके से बना है, क्योंकि इसके पहले वाले में इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया था, लेकिन यहाँ समझने के लिए इस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि इसको रेड कलर का कर दिया है, कि इसलिए कि ये जो सप्लाई है हमारी यहाँ से इन हो रही है, और ये ब्लैक कर दिया है कि ये ग्राउंड से ये रिलेट करता है कि जो 10K हाफ वाट का रेजिस्टेंस है। अब ये क्या करेगा, इसे यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बनेगी जो यहाँ से पॉजिटिव आएगा और यहाँ से नेगेटिव, बीच में जो है ये सीधे यहाँ पर जाएगा, ये तीनों गेट से जुड़े हैं, यानी तीनों MOSFET के गेट से, और इसी गेट से लगा एक जीनर है जो कि 12 वोल्ट का 5 वाट का है, जो इसके वोल्टेज को अपने इस वोल्टेज यानी कैपेसिटी से ज़्यादा होने नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ पर होता है, यानी इन होगा यहाँ पर बी में जो ड्रेन में जाएगा, लेकिन स्टार्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके ऑफ होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये स्टार्ट होगा, फिर ये ऑफ होगा, तो फिर ये स्टार्ट होगा, यही ऑन ऑफ में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस कॉइल में, तो ये इसी तरीके से काम करता है।
अब आते हैं हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप देखते हैं एमआरआई टेस्ट, तो ये एमआरआई इसका फुल फॉर्म होता है, ये तीन वर्ड से बना हुआ है, जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो इसका ये जो काम है, जैसे हमने बताया था कि इसका जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बनती है इस कैपेसिटर और इस कॉइल के द्वारा, ठीक है, जो एरिया कवर करता है, इसका बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम इसको आगे समझते हैं, इसका प्रैक्टिकली करेंगे और उसी समय आपको दिखाएंगे इसका जो मतलब काम है ये कैसे काम करता है, तो और सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और दूसरी बात ये है कि जब इसमें आप देखते हैं कि जब कहीं एमआरआई टेस्ट होता है तो उसमें जैसे हमने इसको किसी चीज़ को यूज करने के लिए, जैसे कुकिंग के लिए और अदर चीज़ों के लिए, मेटल को हीट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर देखें, वहाँ पे जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो वहाँ पर देखें कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, वहाँ पे पूरे होल बॉडी को जो स्कैन किया जाता है और वहाँ भी जो है एक मैग्नेटिक एरिया होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि किसी ह्यूमन को यानी किसी भी मनुष्य का जब वहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, एमआरआई टेस्ट होता है, तो उस समय जो है इसका जब चेक करते समय देखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा अलर्ट क्या किया जाता है, अलर्ट ये किया जाता है कि जैसे